हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई थी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी आप लोग की। इसमें आप लोग की लास्ट डेट जो थी 22 मई 2021 आप लोग की लास्ट डेट थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई हुए थे जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क और सिविलियन मोटर ड्राइवर, सुखानी कारपेंटर और एमटीएस। जी एमटीएस की काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, 60 वैकेंसी आप लोग की एमटीएस की निकली हुई थी। जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए इसमें वैकेंसी थी 18 से 25 साल जनरल वालों की। ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट था। इसमें आप लोग की जो एमटीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, ओनली और ओनली यदि आप लोग हाई स्कूल पास थे तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा ड्राइवर के लिए 12th और हैवी व्हीकल आप लोग के पास लाइसेंस होना चाहिए और 2 ईयर गैप एक्सपीरियंस। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास प्लस आप लोग के पास जो है स्किल की जानकारी होनी चाहिए यहाँ टाइपिंग की। काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, यदि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होगा तो आप लोग को इसकी जानकारी होगी। जी हाँ, आप लोगों को इसकी जानकारी जरूर होगी। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसके जो है एडमिट कार्ड आप लोग के आ रहे हैं। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एडमिट कार्ड आया है एमटीएस की पोस्ट के लिए। जी हाँ, एमटीएस की पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे उनका एडमिट कार्ड आया हुआ है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोग को जो है सिलेबस की जानकारी भी मैं आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों को रिटर्न एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रीवियस में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग की वैकेंसी थी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ठीक है। 83 वैकेंसी थी, फ्री फॉर्म था और इसमें आप लोग की जो एमटीएस एलडीसी कारपेंटर स्टेनो ड्राइवर वगैरह की आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी थी। तो चलिए बात करते हैं आप एडमिट कार्ड की। तो ये एडमिट कार्ड है, मेरे एक सब्सक्राइबर है, इनका एडमिट कार्ड आया हुआ है जो कि पोस्ट है इनका मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। और नाम वगैरह दिया, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, रोल नंबर वगैरह दिया हुआ, ठीक है। इसमें जो डेट दी गई है एग्जामिनेशन की, जी हाँ, रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है इनका 4 अक्टूबर को होने वाला है, 4 अक्टूबर 2021 को 2 बजे इनको जो है रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया गया। कॉलेज की मोहर वगैरह आप लोग की लगी हुई, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप लोग के आ रहे हैं डीएसएससी के लिए, यदि आप लोगों ने भी अप्लाई किया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ जानकारी और प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं आप लोग को जो है 2 आवर्स, यानी कि जब आप लोग को बुलाया जा रहा है उससे 2 घंटे पहले आप लोग को पहुँच जाना है रिटर्न एग्जाम के टाइम, ठीक है, रिटर्न एग्जाम वाले डेट। और इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे बताया गया रिटर्न एग्जाम जो आप लोग का होने वाला, इसमें आप लोग की इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आप लोग की आने वाली है, ठीक है। आप लोग का 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होने वाला है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग को मीन्स ड्यूरिंग रिटर्न एग्जाम फाउंड कोई गलत काम आप लोग नहीं करेंगे। इसके अलावा लेटर डज नॉट, ये लेटर आप लोग का जो है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये ओनली और ओनली आप लोग के रिटर्न एग्जाम के लिए ही है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह आप लोग जो है नहीं लेके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, मैं कोई गलत कार्य आप लोग नहीं करेंगे। कोविड का जो है आप लोग को पालन करना है, दूरी बना के रखेंगे, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह हैं उसको आप लोग को फॉलो करना है। इसके अलावा यदि आप लोग को फ्लू वगैरह बुखार वगैरह होता है तो आप लोग को जो है अंदर एंट्री करने नहीं दी जाएगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। वेन्यू आप लोग का दिया हुआ डीएसएससी कैंपस वेलिंगटन 643231 नीलगिरी में आप लोग का जो है सेंटर है, स्थान आप लोग को दे दिया गया है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है कि बस जो है आप लोग की कुन्नूर, जी हाँ, कुन्नूर से आप लोग की जो है यहाँ बस मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है, ठीक है। डेट और टाइम के बारे को चेंजेस वगैरह आप लोग का नहीं किया जाएगा, एग्जाम डेट जो आप लोग को दी गई है उसी दिन आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी, एडमिट कार्ड और इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को पूरा सारी चीज़ें आप लोग को बता देंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो अब सिलेबस को लेकर के स्टूडेंट परेशान है। तो देखिए सिलेबस की जानकारी मैं आप लोग को दे दूँ, यहाँ पे इन्होंने खुद भी बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए, रिटर्न एग्जाम आप लोग का होगा, स्किल टेस्ट, इसके बाद आप लोग का स्किल या फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम के लिए ही यहाँ पे एडमिट कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आप लोग को दे दूंगा। तो ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है डिफेंस सर्विस स्टाफ के अंतर्गत, तो इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट बता दिए गए हैं, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का पेपर होगा, 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा आप लोग को जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है एमटीएस एलडीसी स्टेनो एंड अदर पोस्ट के लिए है। ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ठीक है। पेपर आप लोग का जो है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, कोई टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। हिंदी में भी आप लोग का एग्जाम होगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आप लोग की ये वैकेंसी थी।
तो इसमें आप लोग की रीजनिंग आने वाली है, तो रीजनिंग आप लोग देख लेंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ठीक है, पजल्स, रैंकिंग, स्टैंडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंबल्स और कंक्लूजन और सिलोजिम्स वगैरह आप लोग की इसमें आने वाली है रीजनिंग के अंतर्गत। और इसमें आप लोग का जो है वैन डायग्राम आएगा, कॉन्फिगरेशन आएगा, क्यूब एंड डाइज आएंगे, मैट्रिक्स आएंगे, मिरर आएगी, पेपर कटिंग और स्क्वायर्स ऑफ फिगर्स आएगी, एनालॉजी आएगी, क्लासिफिकेशन आएगी, मिसिंग आएगी, एट पेयर आएगी, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज आप लोग की यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। ये आप लोग का रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद आप लोग का मैथ है, मैथ के अंतर्गत आप लोग का HCM, LCM, रेशो, प्रोविजन, परसेंटेज, फैक्टरीज, फैक्शन, इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ एरियाज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिसिंग नंबर, एवरेज, प्रॉब्लम ऑफ प्रीसेस एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड एंट्रेंस, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप, मेंसुरेशन आएगी आप लोग की, वॉल्यूम आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन आएगी, ठीक है, सीरीज कंप्लीशन आएगी, और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आएगी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन बोट, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, पाइप एंड क्वेश्चन वगैरह आप लोग की आने वाली है, ठीक है, पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अलावा आप लोग को जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफिक, पाई ग्राफिक, ठीक है, टेबल्स वगैरह और ज्योमेट्री, इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिग्रेशन वगैरह आप लोग की आएगी। इंग्लिश ये आप लोग की यहाँ पे इंग्लिश आने वाली है, तो इसमें इंग्लिश की डिटेल आप लोग को दी गई है, पैराग्राफ मैंने आप लोग को यहाँ पे डिटेल दी गई है, ठीक है। आप लोग के कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं आप लोग देखेंगे, इंटेलिजेंसी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल से स्पेसिफिक, ठीक है, इंग्लिश भी आप लोग की इसमें आने वाली है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो इंग्लिश की जानकारी मैं आप लोग को दे दूँ यहाँ पे, पैराग्राफ कंप्लीशन आप लोग को, ठीक है, इसके अलावा डबल ब्लैंक इन सेंटेंस, सेंटेंस करेक्शन, पैराग्राफ स्टिप्सन, पैरा जंप क्लोज, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है एंटोनिम्स आएगी, पैराग्राफ रीडिंग कंप्रेंशन, मल्टीपल मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, एरर आएगी, इसके अलावा आप लोग को जो है फिल इन दी ब्लैंक्स, सुटेबल वर्ड और मिसलेनियस आएगी, मिस्टेक आएगी, सिनोनिम आएगी, वोकैबुलरी आप लोग की आने वाली, तो इंग्लिश के अंतर्गत ये आप लोग का आने वाला है। इसके अलावा आप लोग का जो है जनरल अवेयरनेस, जी हाँ, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आप लोग को आने वाला है अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स और इन्वेंटेंस, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को स्टेट कैपिटल, इंडियन कल्चर, जनरल पोलाइटी, इकोनॉमिक्स आएगी, साइंटिफिक रिसर्च आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, रेगुलेशन आएगी, रेगुलेटरी आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, गवर्नमेंट स्कीम आएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट आएगी आप लोग की, करंट अफेयर, रोल्स एंड RBI, माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग, ठीक है, बजट, बेसिक, बेस रेट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, करंट यूनियन बजट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर, इंडियन बैंकिंग, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग की आने वाली है GK के अंतर्गत। इसके अलावा आप लोग को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडियन इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप लोग की आने वाली है DSSC के एग्जाम में, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ग्रुप सी की, जो ये आप लोग की भर्ती निकली थी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, 83 वैकेंसी थी। यदि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आप लोग इसकी जानकारी होगी, तो आप लोग भी देखिए कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, क्योंकि फॉर्म ये आप लोग का फ्री था और काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, और MTS के लिए काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया, और MTS की ही सबसे अच्छी वैकेंसी है, 60 वैकेंसी है। तो अभी मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो आप लोग रेडी रहिए। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और जाने से पहले ये कहूँगा, यदि चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब की, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग के लिए लाते रहो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।